सारे राजाओं को। आज हमारा टॉपिक था फाइव एलिमेंट। ये एक्सप्लेनेशन जो मैं देने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की रिसर्च फाइव एलिमेंट थ्योरीज के ऊपर जो मैंने महसूस किया इस फाइव एलिमेंट थ्योरी के अंदर, ये मेरी खुद की रिसर्च है। हो सकता है कुछ डिफरेंट हो सकता है कुछ अलग हो। चले, इस बार मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, पर ये फाइव एलिमेंट थ्योरी ही पूरी स्टोरी है। अगर आप सही तरीके से मेरी बात को पकड़ पाएं तो ये थ्योरी पूरी स्टोरी ही है। मैं आया, मैंने बहुत काम किया, ठीक है, मैं उस काम से कुछ पैसे कमाया या मैंने बहुत पैसे कमाए, उन पैसों को मैंने अपनी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, ठीक है। साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गया पैसे कमाने का जोन, ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया उस सामान को खरीदा। कहते हैं ना, हमारे पास वजन है, हमारी आवाज़ में वजन है, हमारे बात, हम जिस भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम साउथ वेस्ट को लेते हैं, देट मीन्स कि वो अर्थ एलिमेंट है। तो वो जो पैसा कमाया आपने, वही पैसा आपकी प्रॉपर्टीज को, जो कि चल अचल संपत्तियां हम कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स हो गए, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज हो गए, या इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, जो आप लोगों ने शेयर मार्केट में किया या कुछ भी किया, पर वो किससे किया, पैसों के थ्रू किया। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने वर्ड यूज किया था, जिस कागज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वन नंबर लिखा है, उसी कागज को मैं बेस बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आया, मैंने बहुत काम किया, मैंने पैसे कमाए, मैंने पैसे कमाने के बाद उस एक्स्ट्रा मनी से मैंने अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड, अपनी सारी चीज़ों को एक लेवल के अंदर लेके आया, जिसका मेरा सोर्स ऑफ इनकम है उस लेवल पे लेके आया। उन चीज़ों को देख के कुछ लोग मुझसे जुड़े। हम भी उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे स्टेटस के होते हैं। और स्टेटस क्या चीज़ डिफाइन करती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड किस लेवल का है। मुझे लगता है स्टेटस वही चीज़ होती है, ठीक है। तो स्टेटस को देख के काफ़ी लोग जुड़ते हैं, और हम भी उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे लेवल के हों। हम बहुत ऊपर के लेवल के लोगों के साथ इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। हम नीचे के लोगों के साथ इसलिए नहीं जुड़ सकते क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। तो हम जो भी है, मतलब मैं किसी की तुलना किसी के साथ नहीं कर रहा, पर हम जिस भी लोगों से जुड़ते हैं उनके स्टेटस को हम रखते हैं कंसिडरेशन का पॉइंट। तो मैंने वेस्ट लिखा, हमसे वो फ्रेंड्स जुड़ते हैं। जब वो फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं, वो ही फ्रेंड्स हमें हम बनाते हैं। हमें हम कैसे बनाते हैं, हमारे बारे में तारीफ करते हैं, हमें रिकमेंडेशंस देते हैं, हमारे लिए रिकमेंडेशंस देते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते होंगे, आपका फ्रेंड है, तो आप बोलते हो ना, जाओ उस डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, लो मैं पहले से फ़ोन कर देता हूँ उसको, ताकि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने में कोई कठिनाई ना हो और तुम्हें मुलाकात करने में उस डॉक्टर को कोई कठिनाई ना हो। हम ये करते हैं ना, यही तो सपोर्ट है, यही वो फ्रेंड्स हैं जिनके बलबूते में हम बनते हैं। क्योंकि हम लोगों के सामने चिल्लाएं कि ये मेरी आइडेंटिटी है तो लोग उसको बिलीव नहीं करते, पर किसी व्यक्ति के बोलने से, किसी की आइडेंटिटी के बारे में बताने से वो व्यक्ति जल्दी उससे कन्विंस होता है और उसको वो खुद बनाता है। मतलब जिस भी व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको वो बनाने वाला व्यक्ति हमेशा सपोर्ट ही कहलाएगा, वेस्ट ही कहलाएगा, फ्रेंड्स ही कहलाएगा। मैं सपोर्ट का वर्ड ले रहा हूँ, पर वो फ्रेंड्स का ही वर्ड है, आकाश का ही वर्ड है, कुल मिला के ऐसा है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल टू लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हुए बताते हैं। जो आज हमारे राजा, जितने हमारे ग्रुप के बड़े बड़े राजा हैं, उन लोगों की क्या वीकनेस है वो वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं स्लाइड टू पे आता हूँ, मैंने दिया था स्लाइड टू। मैं आया, ठीक है, मैं आया, मैंने कोई काम नहीं किया, कोई काम, मैं एक एलिमेंट उड़ा रहा हूँ, ईस्टर्न पार्ट का एक एलिमेंट है जिसे बोलते हैं हम कोई वर्क बोलते हैं ना, हम ईस्टर्न पार्ट एयर एलिमेंट कहते हैं। कलर्स में आगे चल के आगे की साइड से उसमें मैं बता दूंगा। मैंने कोई काम नहीं किया, मैं हमेशा लगा रहा कि किसी तरीके से मेरी पेमेंट मिल जाए। मैं काम नहीं कर रहा हूं, पर मैं हमेशा उस आदमी को मेंटल टॉर्चर दे रहा हूं, तू मेरा पैसा दे, तू पहले पैसा रख, तेरे को पहले समझना चाहिए कि मेरे को तू पैसा दे। चलो, क्लाइंट की भलमानवता, वो हमें पैसा दे देता है, ठीक है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग हमसे ऐसे ऐसे इस ऑकल्ट से, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स में ऐसे लोग हैं जिनने पैसे लेने के बाद वो फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो क्या हुआ, जो साइकिल ऑफ लाइफ है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से
डिस्टर्ब हो गया, उसका बैलेंस खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप पैसों के पीछे थे, मैं ये नहीं कहता कि हम सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज को दे रहे हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अपना अपना एक कोई ना कोई कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है। हो सकता है वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में हो, मेरे लिए वो मेरे लिए अच्छी बातें लिख दे, कोई मेरा नाम चार लोगों के सामने ले दे, तो शायद हो सकता है मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात। ठीक है, अब इसको मैं इसी के अंदर वापस के वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आया, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं पैसों के पीछे ही रहा। चलो पैसे मिले नहीं मिले वो एक अलग चीज़ है, पर पैसे मिलने के बावजूद भी मैंने कोई काम नहीं किया। डेट मीन्स कि आप फाइव एलिमेंट थ्योरी में से एक एलिमेंट जैसे ही आप निकाल दोगे, आप वापस आप नहीं कहलाओगे, आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ना उन पैसों से आप सामान बना पाओगे, ना वो लोग आपको किसी नाम से जानते होंगे, ना रिकमेंडेशन देंगे। क्या कोई रिकमेंडेशन देगा आपका अगर आप ने काम किसी का नहीं किया, या पैसे लेके आप लोग मना कर दिए काम, या उसका काम आपकी वजह से नहीं हो पाया। मुझे ऐसा भी समझ में आ सकता है कि वो आपने बहुत एफर्ट डाले पर वो काम नहीं हुआ, तो क्या वो लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि सर इस आदमी के पास चले जाओ क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है और मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या मेरा तो वो काम बना नहीं जिसकी वजह से मैं जुड़ा था। मैं इसी प्रोफेशन को लेके आपको प्रैक्टिकल अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप फाइव एलिमेंट थ्योरी में एक एलिमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे ही मैं दूसरी साइकिल्स में आ जाता हूँ। आप आए, आपने बहुत काम किया, जी मैंने कभी मना नहीं किया, लोग बहुत भीड़ भाड़ के काम कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर आपने कभी भी मनी को अपने कंसिडरेशन के पॉइंट में ही नहीं लिया। मैं आया, मैंने बहुत काम किया, ठीक है, सेकंड साइकिल पे मैं गया, पर मैंने पैसों को कंसिडरेशन का पॉइंट ही नहीं बनाया, तो मेरे पास क्या वो बिल्डिंग्स खरीदने के लिए पैसा आएगा? नहीं। क्या मैं उन बिल्डिंग्स के माध्यम से या उन प्रॉपर्टीज के माध्यम से या उन लोगों को जोड़ पाऊंगा जो उस चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं? नहीं। वापस से साइकिल ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होता है, फिर हम इसके वापस से स्टार्ट करते हैं, ना वो लोग मुझे वापस मैं बनाएंगे, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि साइकिल ऑफ लाइफ जहां पर भी डिस्टर्ब हुआ। ये साइकिल ऑफ लाइफ में इस वर्ड को इसलिए बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि पंच तत्व एक स्टोरी है, पर पंच तत्व के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, इसलिए हर व्यक्ति अपना हिसाब से बताता है, एक का तीन, तीन का पांच नहीं होता। ये कॉन्टेक्स्ट तो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, और है तो जो कॉन्टेक्स्ट को मैं पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे राजाओं को हल्का सा टाइम लगेगा, पर अगर ये पकड़ लिया ना तो इसके बाद यू मेड अ चंक्स ऑफ मनी, जिसको कहते हैं, जिस चीज का आपको जरूरत है, अगर ये धारण हो गया तो वो कहते हैं ना, जिसको पंच तत्व का ज्ञान है उस योगी का चांद सितारे या प्लैनेट्स प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस में वो कभी भी किसी प्रकार से परेशान नहीं होता, ऐसा कहते हैं जो योगी हैं उनके लिए ऐसा कहते हैं। हाँ, मुझे ये लगता है जो योगी है वो योगी नहीं होता जो समुंदर या हिमालय के शिखर पे बैठा है। मेरे हिसाब से और मेरे केबी सर के हिसाब से भी वही योगी है जो व्यक्ति अपने काम में शिखर पे है, अपने काम में शिखर पे है। चले अब इसके बाद फिर से मैं आया, मैंने बहुत काम किया, मैंने मनचाहा पैसा भी मांगा उस काम के बदौलत, मैंने मनचाहा पैसा भी मांगा, लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं काम करना जानता था तो लोगों ने मुझे पैसा भी दिया, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी को पैसा तो देना ही पड़ता है, हर व्यक्ति को पैसा, जो भी उसकी नीड है, जैसा भी है, जो भी हम समझते हैं, हमेशा मनी ही कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होती, पर एक आम बोलचाल की भाषा में हम, क्योंकि मीडियम ही ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो मनी को कहा गया है, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, है ना, सुख देता है कि नहीं देता अभी मुझे ये नहीं पता, पर पैसा कुछ तो काम करता है ये पता, और शायद खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा, हो सकता है वो राइट हो, मुझे अभी उसके बारे में नॉलेज नहीं। मैं आया, मैंने बहुत काम किया, मेरे लोगों ने मुझे पैसा भी दिया, ठीक है सर आप रखिए, आपका पैसा है, मैं मना नहीं कर रहा, आपका है आप रखिए, पर जब उसी पैसे को लेके मैंने अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा किया, नहीं करते हम पार्टियां करते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हम अपने आप से खर्चा करते हैं उनके ऊपर, हर चीज़ होती है मेरे ख्याल सबके साथ होती है, पर वही चीज़ अगर भारी हो जाना कि आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बनाने में, शेयर इन्वेस्टमेंट में, अपनी सेविंग में, या कुछ भी बॉन्ड लेने में, या कोई चीज़ पे वो मनी को यूज़ नहीं किया, आपने उठा के अपने फ्रेंड्स को इतना इम्प्रेस करने के लिए उसी पैसों को लगा दिया, वापस से साइकिल ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है जो फ्रेंड्स हैं हमें हमारे साथ, क्योंकि हम उनका चुनाव करते हैं, तो वो हमारे अंदर की भी बातें जानते हैं कि वो कितना खोखला है और कितना वो ड्रामा कर रहा है। जो लोग नहीं भी खर्चा करते लोगों के ऊपर, उनके भी लोग चिपके रहते हैं क्योंकि वो जो सपोर्ट
के पीछे का जो साउथ वेस्ट का जो जोन है वो स्ट्रांग इतना हो जाता है कि लोग लाइन लगा के वो भी पीछे फ्रेंड्स की बोलते हैं, तो ब्रेक हो गया क्योंकि वो लोग जानते हैं और आपने प्रॉपर्टीज नहीं बनाई। खराब समय पे कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ के रहेगा ये कहीं पर नहीं होता, आपके अच्छे समय पे बहुत लोग जुड़ते हैं और मैंने इस चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करा है। तब मैं साइकिल ऑफ लाइफ की डीप स्टडी पे 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं तब मैं इस चीज़ों को समझ पाया हूँ, हकीकत है ये बात। ठीक है, अब मैं आया, मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत पैसे कमाए, जो मेरे पास पैसे आए मैंने उसको इन्वेस्ट किया अच्छी चीज़ों को परचेज करने में, अपनी मिल्कियत बढ़ाने में, अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छा करने में। ठीक है, उसको देख के कुछ लोग जुड़े, हमने ग्रुप फॉर्म किया, कुछ लोग जुड़े हमसे, पर मैंने उसका रिगार्ड ही नहीं किया। मैंने हमेशा ये सोचा कि यार ये तो ऐसे ही है ऐसे ही है, तो कभी मैंने रिगार्ड नहीं किया, कभी मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ऐसे सब होती है ना बातें। आपको भी देख के कुछ लोग आपके जुड़ते हैं, आपके प्रोफेशन आपका बहुत अच्छा होगा तो लोग जुड़ते हैं, आपके बारे में रेफरेंसेस देते हैं लोगों को कि सर ये राजा से काम करा ले तेरा काम जल्दी हो जाएगा, और वो आपको फ़ोन भी करते हैं, भाई तू उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना, मेरे कारण दे देना। तो जो लोग इसको रिगार्ड नहीं करते, तो वो जो फ्रेंड्स आपको सोच के, आपको अपना सोच के कोई बात बोलते हैं, वो आपको आप नहीं बनाते। बस यही छोटा सा है, इतना छोटी सी चीज़ है, आपको आप बनाने वाले व्यक्ति को अगर आपने तोड़ दिया, आपको आप बनाने वाले व्यक्ति को अगर आपने तोड़ दिया, तो साइकिल ऑफ लाइफ का पूरा साइकिल बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको उन लोगों को भी रिगार्ड करना है जिनने आपका नाम लेने के बाद, आपका नाम लोगों के सामने लिया, आपको रेफरेंस का पॉइंट बनाया। जैसे मैंने कहा कि मुझे फ़ोन आते हैं, ओएस ग्रुप के थ्रू भी कुछ लोगों के काम किए थे, उनके रेफरेंस से भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर उनने बोला है आपको करना है। मैं मना नहीं करता कभी भी, पर मैं भी 2 प्रश्न रखता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का साइकिल ऑफ लाइफ कहीं इम्बैलेंस है तो मैं भी थोड़ा सा उस साइकिल ऑफ लाइफ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आज जो मैं इस थ्योरीज़ को लेके आया हूँ, और फिर से मेरी अपेक्षा है कि इसी ग्रुप के अंदर रहे ये थ्योरी, बाकी सारे राजा हैं अपने अपने सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वापस से लास्ट पॉइंट है, मैं आया, मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत प्रॉपर्टीज़ बनाई, मैंने बनाने के बाद मुझे फ्रेंड्स कनेक्ट हुए, मैंने बहुत रिगार्ड किया उन फ्रेंड्स का, मैंने अपने समय को छोड़ के उनके लिए डाई हार्ड जितना मुझसे हो सकता था, जो मेरा लास्ट समय भी था मैंने उस समय को भी उनके लिए यूज़ किया, पर मैंने अपने आप को नहीं देखा। अपने आप को भी देखना उतना जरूरी है। मी माई सेल्फ वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बेचारे कहीं गलत ही है, उनको अपना आप भी देखना पड़ता है। अगर अपने आप को नहीं देखा तो भी आप साइकिल ऑफ लाइफ, क्योंकि वो तो उठा के सीधा जिस दिन आग बंद हुई ना वो आधा एक घंटा भी नहीं आपको झेलेंगे, वो ले जाके फूंक देंगे, वो तो सत्य बात है। तो अपने आप को भी देखना साइकिल ऑफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे सेकेंड स्लाइड का छोटा सा एक थ्योरी, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट सारा मुझे शेयर करना है। मैं एक और छोटी सी इंसाइट देता हूँ, मैं आया, मैंने काम अपने आप को, आप कहते हैं ना जैसे पीछे का एलिमेंट अगर आगे आ जाता है तो बहुत कुछ सपोर्ट का सेक्टर सेक्शन आ जाता है, मैं आया, मैंने किसी काम को करने के लिए अपना खुद का समय भी दिया। समय सारे अपने ही देते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा किसी और का समय लाके आप देते हो, पर कई बार हम अपना समय से ज़्यादा समय देते हैं। डेट मीन्स कि पीछे का एलिमेंट नॉर्दर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो काम की खूबसूरती बढ़ जाती है, समझिएगा बात को, काम की खूबसूरती बढ़ जाती है। उसी खूबसूरत काम के लोग पैसे थोड़े ज़्यादा भी देते हैं, उन्हीं पैसों ज़्यादा आने से ज़्यादा प्रॉपर्टीज, ज़्यादा फ्रेंड्स और ज़्यादा आप कहलाओगे। बस ये है, इसका कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीछे का एलिमेंट अगर आगे आ जाता है तब इस थ्योरी में क्या स्टोरी होती है। अभी तो हमने 2 थ्योरीज पढ़ी, एक कि हम साइकिल ऑफ लाइफ को कैसे हमेशा कंसिडर करें, एक हमने पढ़ा साइकिल ऑफ लाइफ में कैसे डिस्ट्रक्शन आता है। मैं आया, मैंने काम नहीं किया, मेरे को पैसे नहीं मिले, मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई, मुझे दोस्त नहीं मिले, मेरे दोस्त मेरे को मैं नहीं बनाया, और मैंने अपने आप को भी नहीं देखा। ये पूरा डिस्ट्रक्शन की थ्योरी है, ये थ्योरी हट गई। अब थ्योरी आई सपोर्ट की थ्योरी, हमेशा कहते हैं ना पीछे का एलिमेंट आगे लगा दो तो सपोर्ट मिल जाता है, तो ये सपोर्ट देखो आप। मैं आया, मैंने अपना समय अपनी एनर्जीज को ज़्यादा डाल के एक काम को किया, उसी चीज़ का ज़्यादा पैसा मिला, ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी और ज़्यादा वो, यही एक छोटा सा सपोर्ट है। मैं आया, मैंने काम भी बहुत अच्छे से किया, उस काम के मैं, क्योंकि काम मैंने बहुत अच्छे से किया तो मैंने उस काम के ज़्यादा पैसे मांगे, तो लोगों ने ज़्यादा पैसे दिए,
तो जब ज़्यादा पैसे आ गए तो ज़्यादा पैसे लेके आप ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। नहीं समझते आप, जैसे आपको एक बड़ा बहुत बिल्डर है, उसका रेलवे स्टेशन के पास भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक एक एयरपोर्ट के पास भी प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सिटी हार्ट में भी चल रहा है, एक आउटर में भी चल रहा है। तो जैसे वो सारे सराउंडिंग्स में बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, उसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तभी तो उसकी ये साइकिल ऑफ लाइफ चालू हुई है। तो उसने इन्वेस्ट किया तो उसको देख के ज़्यादा लोग भी जुड़ते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कमी लोग जुड़ेंगे, वही चार लोग आ जाएंगे। उसको देख के चार उस शहर के उस पर्टिकुलर एरिया के चार ज़्यादा मिलेंगे चार इससे। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम साइकिल ऑफ लाइफ के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ को जब भी हम बल देते हैं, साउथ वेस्ट को जब भी हम इंक्रीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा का घटन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स बने, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स मुझे मैं ज़्यादा बनाएंगे। ये छोटी सी थ्योरी बनाते ही हैं 100%। जो लोग जुड़ते हैं वही आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, वही आपको आप बनाते हैं। जब आप खुद बन जाते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो प्रॉपर मेडिकेशन भी अपना स्टार्ट रखते हैं, हमेशा हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, प्रॉपर उनके दो तीन लोग ऐसे रहते हैं उनके साथ जो हमेशा उनकी हेल्थ को टेक केयर करते हैं, उनकी फिजिक को टेक केयर करते हैं, सारी चीज़ें, डाइट सारा कुछ है ना। तो आप बनते हैं ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें जब ज़्यादा के फॉर्म पे होती है, तो मुझे लगता है वो एक आदमी जो शिखर पे बैठा है, वो शिखर ज़्यादा के वजह से ही उसको प्राप्त होता है जो भी चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि उसने एफर्ट्स भी ज़्यादा डालने होते हैं सारी चीज़। अब यही चीज़ को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, देखिए सारे डायमेंशंस को हम लेके चल रहे हैं, इसमें चार डायमेंशन है, चारों डायमेंशन को मैं लेके चला रहा हूँ कि अगर हम आए, ठीक है, हमारा काम हम पे हावी हो गया। काम कैसे हावी होता है? काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, साहब आपने टाइम ही नहीं दिया, आपने किया ही नहीं, और लोग आ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के जा रहे हैं। अच्छा, नहीं किया काम एक अलग मैटर होता है, पर काम को पेंडिंग या वर्कलोड बढ़ाना एक अलग मैटर होता है। नहीं किया काम उसको तो फाड़ दो, निकालो बाहर, पर जिसको काम का वर्कलोड बढ़ाने का शौक होता है, हमेशा वो दूसरों से अपना मनचाहा पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने एक तो प्रॉपरली टाइम पे काम नहीं दिया, ठीक है। दूसरा, उसका काम कितना भी अच्छा हो, अगला इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, तो वो पेमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी उसको नहीं चार्ज कर सकता। वही चीज़ आगे, अगर काम मैंने वर्कलोड्स बढ़ा दिए तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मैं पैसों के पीछे ज़्यादा भागा तो मुझे काम नहीं मिलेगा, अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं को बिल्डिंग्स बना के मुझे, कई लोग कहते हैं ना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी पैसा है नहीं पर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर इन्वेस्टमेंट का पार्ट ज़्यादा हो गया तो आपको कैश क्राइसिस हो जाता है। और अगर वही इन्वेस्टमेंट से लोग ज़्यादा जुड़ जाएं और वो हावी हो जाएं, यार ये मेरे को भी दे दे, यार ये मेरा भी कर दे, यार ये भी कर दे, वो भी कर दे, ये भी कर दे, करना तो आप ही ने, पर वो लोग हावी हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो बिल्डिंग्स पे जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या समय को सही इन्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी, तो वो वहाँ से साइकिल ऑफ लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। या फ्रेंड्स के ऊपर आप हावी हो गए, यार तू मेरा करता नहीं, मैं तेरे को बहुत बार बोला, तू मेरी चीज़ों को समझता नहीं है, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मैं तेरे से करा रहा हूँ, मेरे बात सुन, मेरा कर, मी माय हमेशा ही अगर चलता रहेगा, तो वो फ्रेंड्स दूर भाग जाते हैं। थर्ड स्लाइड पे आते हैं, इस पे जो थ्योरी सर की है वही थ्योरीज को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने चार डायमेंशन पहले मैंने अपनी थ्योरी के बताए, अब मैं जो कॉपी पेस्ट थ्योरी है जो खुशदीप सर ने हमें बताई, जल वाटर एलिमेंट, ठीक है, एयर एलिमेंट वुड, कलर्स में हम कह लेते हैं ब्लू कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, उसके बाद अग्नि तत्व, रेड कलर, कॉपर, एलिमेंट्स भी मैंने लिख दिए, उसके साथ मेटल्स भी मैंने बता दिए। पृथ्वी तत्व हमेशा साउथ वेस्टर्न पार्ट को कह लेते हैं, येलो ब्रास उससे देखा जाता है, और अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं। उसके अलावा स्पेस एलिमेंट वाइट कलर का होता है, आयरन इस पे यूज़ होता है, ठीक है, और कुल मिला के मेटल्स जो भी होते हैं वो सारा का सारा सर्कल लिखा हुआ है, वो ही आपको भी पता है, वही किताबों में लिखा है, ठीक है। और ब्लू जो है वो वाटर एलिमेंट, वापस से साइकिल ऑफ फाइव एलिमेंट्स है ना, साइकिल ऑफ फाइव एलिमेंट्स, वो मैंने एक्सप्लेन किया। किसी दिशा में अगर जल की दिशा है, किसी दिशा में जल की दिशा है और अर्थ एलिमेंट आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो डिसबैलेंस हो जाती है। और डिसबैलेंस भी कुछ नहीं होता, ऐसा है कि ये फाइव एलिमेंट की जो थ्योरीज हैं वो हकीकत में लाइफ के कनेक्शंस के साथ वो थ्योरीज हैं, वो ऐसा किसी भी तत्व का किसी भी जगह में प्रेजेंस होने से कुछ नहीं होता। हम एक फाइव स्टार होटल बना सकते हैं साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना के, और उसकी सेल इतनी अच्छी हो सकती है कि वो वेटिंग्स हो,
ऐसा भी किया जा सकता है। पर यह है कि जो ब्लू कलर है उसकी काट जो है वो हमेशा अर्थ एलिमेंट ही रहेगी। पृथ्वी पानी को सोख भी लेती है, पानी को जमा भी कर लेती है, और पानी के साथ जो भी उसका केमिकल कंपोजिशन है H2O का और जो भी पृथ्वी का केमिकल कंपोजिशन है, कुछ तो भी उन लोगों के बीच में ऐसा फाइट होता है कि पानी अपनी प्रॉपर्टी को उसके सामने हार जाता है। ये थ्योरीज हैं, ठीक है। अब अपन ऐसे पकड़ते हैं, जल जो है, अगर डिस्ट्रक्टिव थ्योरी की हम बात करें, जल हमेशा अग्नि को बुझाता है, ठीक है। अग्नि हमेशा आकाश को पिघला देती है। पिघला देने का मतलब ये है कि अगर किसी दिन बहुत फटाके फूटते हैं, दिल्ली वालों को ये चीज़ें बहुत जल्दी कनेक्ट होंगी कि जब वो रात को बहुत फटाके फोड़ते हैं तो एक या दो दिन के अंदर वहाँ बरसात होती है, तो क्या वो अग्नि ही है जो ऊपर गई और वो पानी को बरसा दी? तो अग्नि पानी को वो कर देती है। इवन अग्नि, अगर हम मेटल्स को भी लेते हैं, तो पिघलाने के लिए तो अग्नि ही मेजर फैक्टर है जिसके वजह से ये पिघलती है। मेटल, क्योंकि हम पकड़ भी लोहे वोहे को रहे हैं, तो लोहा हमेशा कोई भी चीज़ को काटने के काम आता है, और एयर एलिमेंट और वुड वही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा मेटल के थ्रू वो कट जाती हैं। पेड़, क्योंकि वो धरती पे उगता है, वो उसका सीना फाड़ के बाहर निकलता है, तो वो उस पर आके उसका डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हम कह लेते हैं। पानी आग बुझा देता है, आग आकाश को पिघला देती है, आकाश एयर एलिमेंट को काट देता है या जो पेड़ों को काट देता है, पेड़ पृथ्वी को डिस्टर्ब कर देते हैं, पृथ्वी नॉर्थ को खराब कर देती है, डेट मीन्स कि पानी को जमा कर लेती है, जैसे ये थ्योरीज के हिसाब से। ये 3 नंबर स्लाइड का हो गया। 4 नंबर स्लाइड, ये भी मेरी कुछ रिसर्चेस हैं जो मैंने ऐसे समझी, आज मैं जो लिख के भेजा था कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं इन रिसर्चेस के थ्रू, और बहुत फास्ट एंड पैसे विदाउट बैलेंस। योगी वाली बात को याद कर लेना कि उसके ऊपर काट क्यों नहीं लगती। तो बहुत आसान है इन चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ मैप करना, जब हम ये पकड़ लेते हैं कि हो क्या रहा है। नॉर्थ को टेस्ट बोला गया, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिंदगी का मजा कहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो जो सेंसेस में जो टेस्ट का सेंस है, अगर जिंदगी का मजा नहीं आ रहा या टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसे कोई लोग आपको बोलते हुए मिलें, तो नॉर्थ उसका वीक है। ऐसे मैं मन के अंदर नहीं डाल रहा, पर समझने की बात है, ये आप हमें इनपुट्स देंगे तो हम इसे पक्का। जो टेस्ट की हम बात कर रहे थे, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट को हम स्किन और फीलिंग से लिए हैं। तो जैसे कुछ लोग आम बोलचाल की भाषाओं में ऐसा कहते हैं, पर गृहिणियों को मैंने ज़्यादा बोलते हुए सुना है हमारे राजाओं के बारे में। चलो ऐसे कह लें कि एक फीमेल हमेशा मेल के लिए ये कहती है कि तेरे को तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तेरे को तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसी मेल्स और फीमेल्स के बीच में ये इंटरेक्शन होता है, पर उस इंटरेक्शन को छोड़ के भी आप ज़िंदगी में महसूस करें कि कभी आपको फीलिंग नहीं है। जैसे किसी की बहुत एक हार्ड वे से मैं कह रहा हूँ कि किसी की डेथ हो गई और आपका बहुत नियर एंड डियर है, पर आपको आंसू नहीं आ रहे। एक फीलिंग का एक फैक्टर होता है जो ईस्टर्न पार्ट गवर्न करता है। तो फीलिंग्स अगर नहीं है, स्पर्श का भी फैक्टर है, छूने का भी फैक्टर है, आपकी स्किन कितनी सुंदर है, आप कितने सुंदर हो, वो भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि, पर ये है क्योंकि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इतना अच्छा क्लाइमेट नहीं, तो हर किसी को बहुत अच्छी स्किन हो बहुत कुछ मिलना नहीं, पर वो जो फीलिंग वाला फैक्टर है उसको रियल टू लाइफ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो शायद ये जल्दी तत्व आ जाए। इसके अलावा आँखें आदमी औरत को बोलता है हमेशा, तू देखती नहीं। तो जिनकी आइस वीक है, आइस का ये मतलब नहीं है कि विजनरी सेंसेस वीक है, जिनका ये लगता है कि उनको चीज़ें सामने पड़े होते हुए, ऐसा नहीं कि सामने पड़े, ऐसा मतलब बहुत नज़दीक होते हुए भी, कोई लक्ष्य उनके एकदम नज़दीक है पर उनको दिखता नहीं है वो लक्ष्य, तो आप ये पकड़ सकते हो कि शायद इम्बैलेंसेस इस साउथ ईस्ट दिशा के अंदर है, और इसका जो सेंस है देखने का सेंस अगर वीकन है तो आप उसको जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। स्मेल, किसी भी इंसान की बॉडी ड्यू पे अगर उसकी स्मेल भारी हो जाती है या हैवी हो जाती है, तो आप इम्बेलेंसेस बहुत जल्दी इसको रियल टू लाइफ इक्वेशन में पकड़ सकते हो, स्मेल भी कह सकते हैं। और एक चुनाव एक सही तरीके के नाक के फ्रेग्रेंस का, उसको भी हम कर सकते हैं,
और साउथ वेस्टर्न बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, प्लांट से तो ये बहुत जल्दी पकड़ में आता है, पर बॉडी डीओ से ये चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ में आती है। मैं जो थ्योरीज लेके आया हूँ ये वाली थ्योरीज भी, इसमें भी मेरा कुछ अपना रिसर्चेज हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्टर्न पार्ट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला, जो लोग बोलते ज़्यादा हैं और सुनते नहीं हैं, नहीं सुनते मतलब जो लोग सही में नहीं सुनते। देखो दो तरीके के, एक व्यक्ति जो बोल दिया करके दिखा दिया, तेरी नहीं सुनेगा पर वो सक्सेस हासिल करता है, पर जो व्यक्ति सुनता ही नहीं, ना वो सही सुनता ना गलत सुनता, और जो करता वो गलत ही करता क्योंकि वो सुना ही नहीं। कोई भी हमारी भी ऐसे रहती है ना कि हम बोलते हैं यार देखो मैं पहले ही बोला था ये चीज़ें गलत है, और उसके बाद देखिए ऐसे निकली भी ना। देखो बोलना तो हर इंसान का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बोलना, और आज मुझे बोलना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है, तो बोलने पे नहीं। पर वो इंसान अगर बोलने के बाद उस चीज़ों को अचीव कर रहा है और सुन नहीं रहा, ठीक है सुन नहीं रहा, कई लोगों का रहता है कि नहीं सुनते, और ह्यूमंस में आदमियों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक 100% होती है कि सर मैं तुम्हारी तब तक ही सुनूंगा जब तक मेरे दिमाग या सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होगा कि तुम सही बोल रहे हो, उसके बाद मैं नहीं सुनूंगा, पर मेरा लक्ष्य मेरे को क्लियरली दिख रहा है और मैं उसको अचीव करके जाऊँगा। तो ये वेस्टर्न पार्ट का इम्प्योरिटीज हैं, वो सुनता नहीं। फीमेल्स है वो मेल्स को कहती है तू सुनता नहीं, और मेल्स हमेशा औरतों को कहते हैं तू देखती नहीं, तो ये ठीक है सृष्टि है, हम कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट रखेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल रखेंगे। वो नहीं सुन सकती, आप नहीं देख सकते, वो सारा अपने हिसाब से आप अपने परिवार के अंदर कर सकते हो। खैर ये पैसे कमाने के लिए या इस चीज़ों के रिलेट से कोई वो नहीं है। अगर ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बोली कि टेस्ट अच्छा नहीं है, तो नॉर्थ दिशा है ना, हमारा अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ अभी समझा देता हूँ। नॉर्थ दिशा अगर आपको सीरियसली कनेक्ट हो रही है कि टेस्ट नहीं है लाइफ का, आप मुझे इसको पक्का करके बताएंगे, तो हम क्या करते हैं, सफ़ेदा एक स्टोन आता है, वाइट, कोई भी वाइट स्टोन, सफ़ेदा भी कहते हैं, वाइट कैटाइज भी कहते हैं, ऐसे वाइट का जो भी रिप्रेजेंट करता है, जो भी कलर रिप्रेजेंट करता है जिस भी स्टोन का, आप उस व्यक्ति को वो पहना के आप उसकी लाइफ में टेस्ट ला सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका घर जाके बैलेंस करना, हम तो वही चीज़ें कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उसके बल्ब जला रहे हैं या पट्टियाँ मार रहे हैं, हम उस कलर्स को उनकी लाइफ में एंटर करा रहे हैं, पर कहीं जगह बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे मेरा भी कुछ स्टोन्स हैं तो वो मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें हैं, वहाँ हो नहीं सकता कोई भी काम। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी सेटल डाउन करने के लिए हम पीछे के एलिमेंट का स्टोन उसको पहना देते हैं, अगर उसकी आगे की कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट की प्रॉब्लम है, तो हम साउंड का एलिमेंट उसको पहना देते हैं। शायद ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो, नेक्स्ट आप एक दो बार इसको देखें तो शायद समझ जाएं, और मैं चाह भी रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो तो आप कमेंट्स में बकायदा लिखो, इसको मैं समझाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल रिसर्चेज हैं, एक का तीन, तीन का पाँच नहीं है, और पाँच तक जिस आदमी ने पहुँचाया उसके बाद आता है फीलिंग्स का सेंस। अगर फीलिंग नहीं है तो आप उसको नीलम पहना सकते हो। हमें क्या बताया जा रहा है, अगर तेरे नॉर्थ पे इम्प्योरिटीज है, कहते हैं ना मरकरी खराब है, मरकरी लॉर्ड है ना सर के बाद, थैंक यू लवेंद्र सर, मरकरी जी अगर हमारे खराब हैं तो मरकरी जी का स्टोन इन लोगों ने ग्रीन पहना दिया, आगे का पहना दिया, वो उल्टा खराब है, उसको और खराब कर दिया। हम क्या थ्योरी लेके आ रहे हैं कि आप बैक सपोर्ट उसको दो ताकि वो चीज़ें अच्छे से हो उसके साथ। ये थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, रिजल्ट्स आप शेयर करेंगे अपने अंतर्मन से, आई हुई आवाज़ पे आप वर्किंग करें। स्टोन्स खरीदना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप कोई भी क्या कहते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स के स्टोन खरीद सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि सबसे हाई स्टैंडर्ड का स्टोन काम करेगा, स्टोन चिपकते ही वो काम करेगा, टूटा होगा तो भी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने ये अंधविश्वास फैलाया, हम इस ग्रुप को बनाया ही, हमारा फॉर्मेशन था कि इस ग्रुप से अंधविश्वास को निकाला जाए, और ये कलर्स की थ्योरीज की वजह से ही सारे की सारी चीज़ें एनवायरमेंट पे घटित हो रही है। ये चीज़ें भी हमने इस ग्रुप के माध्यम से प्रूफ करके दिखाया कि ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। फिर मैं आ जाता हूँ, अगर फीलिंग का सेंस किसी का कम है तो उसको नीलम पहनाया जाए। मुझे नहीं पता कि पत्थर किसके प्लैनेटरी कनेक्शंस में है या किसके क्या हैं, और सबके पास अलग अलग थ्योरीज हैं, मैं किसी चीज़ को वो नहीं करना चाहता कि कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता कि सर मेरी थ्योरी से आप काम करो या किसी से भी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमारे राजा कुछ समय के लिए अपने सेंस को पकड़ लें और उसके पीछे के सेंस का स्टोन धारण कर लें, ऐसा समझाने की कोशिश। वैसे ही अगर ईस्टर्न पार्ट पे
कोई प्रॉब्लम है तो हम नॉट का स्टोन जो कि ब्लू कलर का स्टोन होता है, अभी वो नीलम को किसी ने फायर के साथ भी रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ भी कर दिया, वो मैं नहीं समझता, मुझे कलर्स दिखते हैं, मैं कलर्स के थ्योरीज पे ही काम करता हूँ। फाइव एलिमेंट थ्योरी भी पूरी की पूरी कलर्स से ही निर्धारित है, तो आप वैसा कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं जिनका साउथ ईस्ट वीक है, जिनका साउथ ईस्ट वीक है और वो सोच भी रहे हैं कि उनको दिखता नहीं यार, मेरे सामने तो पड़ा था, ये शेयर पे सिर्फ क्लिक ही तो करना था, देखो इतना रेस कर गया, या कुछ भी मन के अंदर डालने वाली बात नहीं। अगर उनका ऐसा कुछ है तो उनको हम हकीकत में ग्रीन वाला स्टोन, जिसे पन्ना भी कहा गया है, पन्ना भी चाहें तो पहना के हम बहुत सिंपल स्टोन्स और इजी टू अवेलेबल वाले स्टोन्स की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं पर मुझे नहीं पता, हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो अगर हम पन्ने को भी यूज़ करें उसकी फिंगर में, जो भी उसका फिंगर है, वो फिंगर्स तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं गूगल्स पे, फिंगर शायद इस पे पन्ना पहनाया जाता है, तो वो हम पहना सकते हैं। जिनका साउथ वेस्ट किसी प्रकार से डिस्टर्ब है जैसे, तो उसको फायर एलिमेंट का जो भी स्टोन है, जैसे पन्ना भी हो सकता है, रूबी भी हो सकता है, रूबी सन को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लगा कि शायद वो फायर एलिमेंट का है तो मैंने रूबी, ठीक, तो रूबी भी पहना जा सकता है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर, वेस्टर्न पार्ट में सुनते नहीं वाला, अगर किसी का ज़्यादा आपको सेंस में इसमें प्रॉब्लम जा रहा है और नहीं सुना और इतनी कठिनाइयों में आज तक जीवन जी रहे हो, अगर इस चीज़ को आपने कनेक्ट किया उसकी लाइफ के साथ, देखिए पढ़ना पकड़ना सब आपके हाथ पे है, हम ये नहीं कह रहे कि पांचों स्टोन पे हाँ दो उसको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक सेंस पकड़ के एक स्टार्ट कर सकते हो, हमारे को वो उसके इनपुट दे सकते हो। अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो आप उसको पुखराज पहना सकते हो ताकि उसका जीवन वापस से साइकिल ऑफ लाइफ के अंदर आ जाए, शायद वो एक जोन किसी प्रकार से डिस्टर्ब है। उस जोन को डिस्टर्ब होने की वजह से कोई ऐसा नहीं है कि घर पे ही काम हो, ह्यूमन बॉडी पे भी काम होते हैं, ये बहुत पुराने रिसर्चेस हैं, आज तक हम लोगों को ये कंटिन्यूटी में हमारे फादर ग्रैंडफादर उनके जो भी पीढ़ियाँ, तो उन लोगों ने हमें आज तक ये, राजा महाराजाओं को भी जो भी हमने देखा, तो उनने वो फिंगर्स पे रिंग्स का उपयोग किया है। तो ये कोई अंधविश्वास का साइंस नहीं है, ये भी साइंस है, पर इसको अपन रिलीफ, क्विक रिलीफ के लिए हम कर सकते हैं। आज इसी चौथा मेरा पूरा का पूरा जो था फाइव एलिमेंट के ऊपर, वो पूरा खत्म हो गया। हर किसी के कलर्स दिए हैं, हर किसी के कलर्स डिस्ट्रक्टिव कलर्स होते हैं, मतलब येलो कलर जो है वो ब्लू कलर का डिस्ट्रक्टिव कलर है और वही कंट्रोलिंग कलर्स भी होते हैं। अगर वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आप बकायदा मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को भी आंसर करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, जुड़े रहें, प्यार देते रहें, आपके कमेंट्स देते रहें और लाइक करते रहें। इस आज के लिए खैर इतना ही था, वो 45 मिनट्स का सेशन हो गया।